नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टेक विद रोहित। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F60 फोन के बारे में दोस्तों, जो कि आजकल काफी ज्यादा चर्चित है हो रहा है। दोस्तों यूट्यूब पे इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे और जिसे देख के दोस्तों मैंने इस फोन को परचेज किया है। लेकिन दोस्तों मैं इस फोन के अंदर बहुत ही इशू फेस कर रहा हूं और दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे नोट करके रखे हैं और दोस्तों मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि दोस्तों इसमें क्या क्या इशू आते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पे कुछ नोट डाउन करके रखे हैं, कुछ 6 इशू हैं, ठीक है, और 6 या 7 इशू हैं, तो उसको उसके बारे में मैं टॉपिक बाय टॉपिक बात करने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अंतिम में कि इस फोन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर दोस्तों आपने हाल ही फिलहाल में खरीदा है तो दोस्तों आप इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कैसे रिटर्न करेंगे उसके बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं। दोस्तों मैं इसके रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके रिटर्न की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए सरप्राइज वीडियो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इशू दोस्तों मैंने जो फेस कर रहा हूँ वो दोस्तों इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, वैसे देखा जाए तो फोन अच्छा ही है, लेकिन इसके कैमरा जो इशू है दोस्तों, कैमरा में भी इसका इशू है। और दोस्तों अगर आपके पास लाइटिंग अच्छा है तो दोस्तों इसका कैमरा अच्छा वर्क करता है, लेकिन दोस्तों अगर लो लाइट में आप क्लिक करते हो, फोटो सेल्फी क्लिक करते हो या फिर रियर कैमरे से आप फोटो क्लिक करते हो तो दोस्तों वहाँ पे फोटो धुंधलापन तो नहीं कहूंगा कि नॉइस आ जाता है आपके फोन में, पिक्सल्स फटाफटा दिखने लगता है, यानी जिसे हम अपने भाषा में कहते हैं कि मच्छर आ रहा है, ठीक है। तो वह प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप लो लाइट कंडीशन में आप फोटो क्लिक कर रहे हैं या फिर आप सेल्फी ले रहे हैं या फिर आप रियर कैमरे से क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इशू आता है इसका बैटरी को लेकर। दोस्तों बैटरी इसमें 7000 एमएच की बैटरी दी गई है, लेकिन दोस्तों मुझे जो मेरा पहला फोन था Realme 3 Pro जिसे मैं आज भी यूज करता हूँ, वो फोन थोड़ा सा डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से मैंने स्नैपफोन को खरीदा था। और दोस्तों ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस उतना ही मिलता है, क्योंकि मुझे जब मैं सुबह चार्ज उठता हूँ तो दोस्तों मैं तब से फोन यूज करना चालू करता हूँ और शाम के 5 बजे तक मुझे यह फोन चार्ज पे लगाना ही पड़ जाता है। और जो कि मैं फोन को थोड़ा हैवी यूज करता हूँ, मैं वीडियोज देखता हूँ ज्यादातर यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, ठीक है, और थोड़ा बहुत ब्राउजिंग करता हूँ और गेमिंग मैं नहीं करता हूँ फिलहाल। मैं इस फोन में अभी तक कोई भी गेम इंस्टॉल नहीं है तो गेमिंग मैं नहीं करता हूँ। और तो दोस्तों तब पर भी मुझे जो है कि बैटरी बैकअप उतना अच्छा खासा नहीं मिला है, जिसको सोच के मैंने इस फोन को परचेज किया था कि मुझे ओवरऑल 1 दिन से ज्यादा का यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड जो इशू है दोस्तों इसका परफॉर्मेंस के लेके, इसको परफॉर्मेंस दोस्तों सैमसंग की परफॉर्मेंस अगर सस्ते फोन्स में देखा जाए तो शुरू से ही खराब रही है, और J7 सीरीज जो आई थी वो उससे तो सैमसंग का लुटिया डुबो दिया, क्योंकि वो J7 सीरीज के फोन्स बहुत ही ज्यादा हैंग करते थे, ठीक है। और यह गैलेक्सी सीरीज का है F62, जिसके बारे में यूट्यूब पे बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया है दोस्तों। आप कोई भी चीज ओपन करते हो तो दोस्तों उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही लेट होता है, यानी आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उससे कहीं ज्यादा लेट होता है। अगर आप किसी को कॉलिंग भी करने जाते हैं तो वहां पे पॉपअप जो है कि 1 सेकंड के ज्यादा चला जाता है, जैसे आप टैप किया 1 सेकंड, 2 सेकंड तक, 3 सेकंड तक लगता है, जैसे लगता है कि आपका फोन फ्रीज हो गया है, रुक गया है, ठीक है। लेकिन वो वर्क करता है, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम लेट है। या फिर आप कोई चीज आप ऐप सर्च करते हो सर्च बार में जाके, तो दोस्तों वहां पे 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड तक का भी टाइम लग जा रहा है आप सर्च करने में। जैसे आप कोई फोन खोलते हैं, ठीक है, फोन खोलने के बाद यहाँ पे अगर आप सर्च में जाते हैं, सर्च करने पे जैसे यहाँ पे ऊपर सर्च आता है और यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप सर्च करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और ऐसे में स्क्रॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डायरेक्टली आप सर्च करके उस एप्लीकेशन को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी खोजने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारे आइकन्स एक ही तरह के दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा वीक है, सैमसंग के ज्यादातर फोन्स में परफॉर्मेंस वीक ही आती है, ठीक है। और इसका यूआई थोड़ा भी मुझे पसंद नहीं आया है, जैसा सैमसंग जो कि उसी यूआई को दे रहा है, ठीक है, तो सैमसंग का यूआई मुझे उतना पसंद नहीं है, उस चलते भी मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन के अंदर, कुछ एप्लीकेशन के अंदर आपको एड भी देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इस फोन के लिए 20,000 रुपये पे किया है, तो मुझे इस मोबाइल के अंदर हमें कोई भी एड देखने को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसके अंदर 3-4 ऐसे एप्लीकेशन है जिसको मैंने फाइंड किया है और उसके अंदर कोई एक 2-3 ऐड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह एक बड़ा इशू है परफॉर्मेंस को लेके, अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो कि नेक्स्ट इसका इशू है दोस्तों, वह हीटिंग का है। अगर आप इस फोन को लगातार यूज करते हैं तो दोस्तों आपको हीटिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको काफी हैवी यूज करता हूँ, मैं पूरे दिन भर लगभग यूज ही करता हूँ फोन, अगर दिन में छोड़ दिया जाए 1-2 घंटे तो उसको छोड़ के मैं लगभग फोन हमेशा ही यूज करता हूँ। मैं इसको टेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ, वीडियो देखने के लिए यूज
करता हूँ, जैसे मैं एंड्रॉइड का डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो दोस्तों मुझे ऐप टेस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं यूज करता हूँ। तो मेरा फोन जो कि 24/7 नहीं, मतलब दिन भर ऑन ही रहता है, कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद इसका वेट दोस्तों, इसका वेट जो है कि 220 ग्राम का है, आप जैसे फ्लिपकार्ट भी देख सकते हैं, काफी हैवी वेट है। आप पॉकेट में अपने इस फोन को रखेंगे तो लगेगा कि हाँ कोई भारी चीज कैरी करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको भारी चीज कैरी करना पसंद है तो आप इस फोन को खरीद सकते हैं, और इसकी वेट के साथ इसकी मोटाई भी थोड़ा ज्यादा है। नॉर्मल फोन जो आते हैं 20,000 या 30,000 के बीच में आते हैं फोन, तो उनकी जो कि स्लिम, काफी स्लिम होता है फोन, लेकिन यह फोन थोड़ा मोटा है और कवर लगाने के बाद और भी मोटा हो जाता है। कि जैसे कि मैंने अपने इस फोन पे कवर लगा के रखा है क्योंकि मैंने इतना महंगा फोन खरीदा है, और दोस्तों ऐसा कहीं ना हो कि गिर जाए और फोन क्रैक हो जाए, तो दोस्तों इसका इंश्योरेंस भी नहीं है और पैसा फ्री में चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको कवर लगा के प्रोटेक्ट किया हुआ, ठीक है। और इस पर मैंने स्क्रीन गार्ड भी लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वाईफाई का, दोस्तों इसका वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इस फोन में ब्लिंक कर रहा है वाईफाई, जो कि सही से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। मेरा एक रियल मी का फोन है और इससे मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूं और इसमें दोस्तों वाईफाई को कनेक्ट करता हूं, जिसमें दोस्तों कभी कभार मुझे लैगिंग इशू देखने को मिलते हैं वाईफाई में, यानी ब्लिंक करता है, बीच बीच में कनेक्ट होता है, बीच में छोड़ देता है, कनेक्ट होता है छोड़ देता है, कनेक्ट होता है छोड़ देता है, तो ऐसा इशू फेस करने को मिलता है इस फोन में। अदर फोन में है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस फोन में यह इशू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों चार्जिंग का, जो कि बड़ा इशू है। किसी भी स्मार्टफोन को अगर आप लेते हैं 20,000 या 30,000 के रेंज में, तो दोस्तों वहां पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और फास्ट चार्जिंग इतनी फास्ट होती है कि दोस्तों 30 मिनट से लेके 60 मिनट के बीच में आपका फोन फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन इस फोन को चार्ज करने में आपको नॉर्मली 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप 2.5 से 3 घंटे दे सकते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए, तो दोस्तों आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं, यानी इस फोन को आप खरीद सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके इसके स्पेसिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सैमसंग का फोन पसंद है तो आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे दोस्तों सारे ही चीजों में इस फोन में इशू फेस करने को मिले हैं। मैं फर्स्ट टाइम सैमसंग यूजर हूं और दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूं, यानी खरीदा हूं। उसके पहले मैंने रियलमी का फोन यूज किया है, एमआई का फोन यूज किया है, माइक्रोमैक्स का फोन यूज किया है, और लावा का फोन यूज किया, ठीक है। लावा का फोन मतलब 2015 के आसपास में यूज करता था। अभी फिलहाल मेरे पास रियलमी 3 प्रो है और इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है दोस्तों, मैं इसको 3 साल से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक कोई भी इशू इसमें देखने को नहीं मिला है, ना हीटिंग इशू है, ना कैमरा इशू है, ना परफॉर्मेंस इशू है, ठीक है। चार्जिंग थोड़ा बहुत वीक हो गया है, मतलब बैकअप थोड़ा बहुत कम हो गया है पहले की अपेक्षा। तो अभी बैकअप, अभी दिन में मुझे इसको अराउंड 2 बार चार्ज करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उसको 2 बार चार्ज करने पर मेरा पूरा दिन चल जाता है, और रात में भी चल जाता है, लगभग 10-11 बजे तक मैं फोन यूज करता हूँ तो भी चल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक है बैटरी को लेकर, बैटरी बैकअप को लेकर, लेकिन चार्जिंग दोस्तों इसका लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में इसको फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब बात करता हूँ दोस्तों, अगर आप इस फोन को आपने खरीद लिया तो इसको आप रिफंड कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, रिफंड का प्रोसेस अभी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे नहीं होता है। फोन अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट का मिलता है 1 टाइम। अगर आपके फोन में कोई इशू आता है, हीटिंग इशू आता है, या फिर कोई भी टेक्निकल इशू आती है, या फिर हार्डवेयर से कोई इशू आता है, तो दोस्तों उसे आप 1 टाइम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन आएगा आपके घर पे, आपका फोन चेक करेगा, आपके पास अगर वह इशू है तो दोस्तों आपका फोन सक्सेसफुली रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ रिटर्न का, तो दोस्तों रिटर्न में भी वही प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है रिटर्न का। तो रिटर्न का ऑप्शन लेने के लिए दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये इशू है, आप रिप्लेसमेंट के लिए नहीं रिटर्न के लिए उन्हें बोले, और वो दोस्तों अगर उस पर रिटर्न होगा अप्लीकेबल तो दोस्तों वह रिटर्न के लिए सक्सेसफुली आपका अप्लाई कर देंगे, और वहीं से दोस्तों आपका रिटर्न जो है कि सक्सेसफुली आपके स्मार्टफोन के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ एक टेक्नीशियन विजिट करेगा, आपका टेक्नीशियन वहाँ पे चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर वह इशू उसको मिलता है तो दोस्तों वह सक्सेसफुली आपका अप्रूव्ड कर देगा रिटर्न के लिए, और रिटर्न होने के बाद दोस्तों आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उसको कैसे करना है उसके बारे में मैं दोस्तों एक सेपरेट वीडियो बताने वाला हूँ। इस फोन का रिटर्न मैंने अप्लाई कर दिया है, रिटर्न सक्सेसफुल हो चुका है, टेक्नीशियन ने हमारे घर पर विजिट किया था, इस फोन को चेक किया, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में जानेंगे जब दोस्तों ये सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा। और सारे प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या प्रोसेस किया, और इस फोन को कैसे रिटर्न किया, और मुझे रिफंड कहां से मिला, मैंने उसको कैसे खरीदा था, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। दोस्तों फोन मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को यह वीडियो बना के जरूर बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे इसके
प्रोज ही बताया गया, यानी मतलब इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि हाँ फोन ऐसा है वैसा है, बहुत ही अच्छा है। और उसे ही देख के मैंने दोस्तों ये फोन खरीदा, लेकिन दोस्तों मुझे फोन यह कतई भी पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो कोई बात नहीं, आप यूज करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फोन डब्बा है, ठीक है, और सैमसंग वाले देख रहे होंगे तो डब्बा ही है, क्योंकि 20,000 रुपये दे रहा हूँ तो कुछ तो यार क्वालिटी दो, ठीक है। इसमें आप चार्जिंग दे रहे हो 3 घंटे में हो रहा है, आपका 7,000 mAh बैटरी जो दिन भर भी नहीं चल पाता है। हाँ, इसकी एक चीज़ मुझे पसंद है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छा है, इंस्टेंट टच करने पे ही खुल जाता है तुरंत, मतलब इंस्टेंट एकदम, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन इसका फेस लॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम लेट लेता है इसके अपेक्षा, जो मैं रियलमी 3 प्रो यूज कर रहा हूँ, अदर फोन का मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसके अपेक्षा इसमें थोड़ा सा वीक है फेस डिटेक्शन, ठीक है। और कैमरा मतलब एवरेज ही है, नहीं कह सकते कि 20,000 वाला फ़ोन में आपको कोई अच्छा कैमरा मिलेगा, और कैमरा चाहिए तो आपको ओप्पो या वीवो के साथ ही जाना चाहिए, ये आप कमेंट में हम देखने को मिल ही जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।